बच्चों नमस्कार। देखिए बच्चों, बोर्ड पर सेंटेंस लिखा है, लास्ट वाला जो सेंटेंस था यहीं आकर के अपनी बात अधूरी रह गई थी। टेंस का टॉपिक पढ़ा रहा था आपको, और बच्चों अपना जो टेंस चल रहा था वो था पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बच्चों हमने आपको कहा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस वह होता है जिसमें आप जनरली हेड का प्रयोग करते हो और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो। क्लियर है? बात को समझ लें जरा। जब बच्चों मैं आपसे कहता हूँ कि देखना, आई हैड ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 9 AM, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 9 AM का मतलब यह है कि मैंने नाश्ता खाया या मैंने नाश्ता ग्रहण किया कब? सुबह 9 बजे। बच्चों ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हैव एक ऐसा शब्द है, ध्यान दो, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। क्लियर है? हैज हैव हैड तीनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हो कि हैव एक मेन वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? हैड होगी, और थर्ड क्या होगी? हैड। क्लियर हो गया है बच्चों? अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि मैं सुबह 9 बजे नाश्ता कर चुका था, मैं सुबह 9 बजे नाश्ता कर चुका था, तो बच्चों मैं आपको कुछ सेंटेंस कुछ यो दूंगा और आपको दे दिया मैंने ब्रैकेट में हैव, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया और आपको दे दिया आज ब्रेकफास्ट। क्या बोला? ब्रेकफास्ट एट 9 AM। क्लियर हो गया है? एक्चुअली बच्चों अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि मैंने सुबह नाश्ता जो है, मैंने सुबह 9 बजे नाश्ता कर लिया था और आपको ये दे दिया जाए इंस्ट्रक्शन कि इसमें पास्ट परफेक्ट भरो, क्या भरो इसमें? पास्ट परफेक्ट। अगर आपको ये कह दिया जाए कि इसमें सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, किसका करना है? इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, ये आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, अब बताओ कैसे भरोगे? बच्चों आप जानते हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस वह होता है जिसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये लगा दिया मैंने हेड। क्लियर है? सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया है एच वी, और ये मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म बताओ, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेड। इसका मतलब बच्चों हेड दो बार आ रहा है। ये जो पहला वाला हेड है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरा वाला हेड है बच्चों ये क्या है? ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ध्यान दो, पहले वाले सेंटेंस का टेंस तो है वर्ब की सेकंड फॉर्म के कारण, ध्यान दो बच्चों ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आप कहोगे सर ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म क्यों है? अरे बच्चों जब तक भी आप जानते हो कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक हो, तो कैसे जानोगे सेंटेंस में यूज होने के बाद भी कि सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? आप जानते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कभी अकेले नहीं होता, जब भी होता है तो उसके पहले कोई सहायक क्रिया आती है। तो ध्यान दो बच्चों, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म हेड, आई हेड ब्रेकफास्ट एट 9 AM का मतलब 9 बजे नाश्ता, मैंने 9 बजे नाश्ता लिया, ठीक है, मैंने 9 बजे नाश्ता ग्रहण किया, ऐसा कुछ। और तो ये तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये सहायक क्रिया के रूप में आएगा, तो आई हैड हैड ब्रेकफास्ट एट 9 AM, दोनों सेंटेंसेस का जो डिफरेंस है वो आपके अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। एक बात और आपको समझानी है, बोर्ड पर आप देख रहे हो कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। बच्चों ध्यान दो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें दो काम देखो बच्चों, ये पास्ट टेंस है, जरा ध्यान देना क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। अगर बच्चों पास्ट टेंस यानी भूतकाल में एक नहीं बल्कि दो एक्शन हो रहे हैं, बताओ एक्शन एक है या दो है? एक्शन एक नहीं बच्चों, दो है। पहला एक्शन तो क्या है? पहले क्या हुआ? पहले मरीज मरा और डॉक्टर बाद में आया, ये बच्चों एक्शन एक है, ये एक्शन दो। अगर भूतकाल में किसी सेंटेंस में दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो जो एक्शन पहले आएगा, जो पहले होगा, जो हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएगा, और जो अपेक्षाकृत बाद में होगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आएगा, ठीक है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आएगा। लेकिन बच्चों आप जानते हो कि जरूरी नहीं है कि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आए, अगर वाक्य साधारण है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेकर आ सकता है, अगर वाक्य साधारण है तो वह डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर भी आ सकता है। आइए देखो इस ऊपर वाले सेंटेंस को आप आदर्श वाक्य मानिए,
क्योंकि इस तर्ज के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर परीक्षा में प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए ये सेंटेंस तो बच्चों एक सेंटेंस नहीं है, दिस इज ए मॉडल सेंटेंस, ये तो एक सूत्र वाक्य है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक बात को अच्छे समझ लीजिए, ध्यान दो, ऐसी स्थिति में अगर भूतकाल में क्या बताया मैंने, अगर भूतकाल में दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो जो पहले आएगा, ध्यान दो बच्चों, जो पहले आएगा ये बिफोर है। अब बिफोर के पहले जो आएगा, जो काम पहले होगा उसको इधर लिखना चाहिए। वो क्या लेके आएगा, वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएगा। और जो काम बाद में होगा उसे इधर लिखना चाहिए, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने ये जाना कि ये बिफोर के पहले आ रहा है, ये बिफोर के बाद आ रहा है, ये सूत्र बच्चों आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जरा ध्यान देना, सभी लोग लिखना बंद करके बोर्ड की तरफ देखेंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पिताजी के उठने से पहले मेरी माँ चाय बना चुकी थी, तो मैं क्या कहूँगा, जरा देखना बच्चों बोर्ड की तरफ देखना क्या बोल रहा हूँ मैं। माई मदर हेड मेड, आपने देखा हेड के बाद में मेड लगाया थर्ड फॉर्म। माई मदर हेड मेड टी बिफोर माई फादर वोक अप या गोट अप, वोक अप या गोट अप, यानी मेरे पिताजी के उठने से पहले मेरी माँ चाय बना चुकी थी। मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, द मैच हेड स्टार्टेड, द मैच हेड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेडियम, द मैच हेड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेडियम। मैं तीसरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, द ट्रेन हेड लेफ्ट, द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म। बात समझ में आ गई है। तो बच्चों अब इन सभी वाक्यों को उल्टा करके दिखाता हूँ। उल्टा कैसे होगा कि आप जानते हो इस बिफोर का मतलब पहले होता है और इसका विलोम शब्द क्या होता है, आफ्टर। अगर आपने आफ्टर का प्रयोग किया बच्चों तो क्या होगा, ये जो देख रहे हो ना आप, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पार्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पार्ट बच्चों इधर आएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये इधर आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये अंतर है इन दोनों सूत्रों में, जरा ध्यान दो। उल्टा करके दिखाता हूं, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, लेकिन कब आया, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी मरीज के मर चुकने के बाद। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी डॉक्टर आया मरीज के मर चुकने के बाद। दूसरा, माई फादर गॉट अप या माई फादर वोक अप, मेरे पिताजी उठे कब, आफ्टर माई मदर हैड मेड टी, आफ्टर माई मदर हेड मेड टी, जबकि मेरी माँ चाय बना चुकी थी। उसी तरीके से फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेड, इसका मतलब बच्चों हेड दो बार आ रहा है। ये जो पहला वाला हेड है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरा वाला हेड है बच्चों ये क्या है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ध्यान दो, पहले वाले सेंटेंस का टेंस तो है वर्ब की सेकंड फॉर्म के कारण, ध्यान दो बच्चों ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आप कहोगे सर ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म क्यों है, अरे बच्चों जब तक भी आप जानते हो कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक हो तो कैसे जानोगे सेंटेंस में यूज होने के बाद भी कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। आप जानते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कभी अकेले नहीं होता, जब भी होता है तो उसके पहले कोई सहायक क्रिया आती है। तो ध्यान दो बच्चों, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म हेड, आई हेड ब्रेकफास्ट एट 9 AM का मतलब 9 बजे नाश्ता, मैंने 9 बजे नाश्ता लिया, ठीक है, मैंने 9 बजे नाश्ता ग्रहण किया, ऐसा कुछ। और तो ये तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये सहायक क्रिया के रूप में आएगा, तो आई हैड हैड ब्रेकफास्ट एट 9 AM, दोनों सेंटेंसेस का जो डिफरेंस है वो आपके अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। एक बात और आपको समझानी है, बोर्ड पर आप देख रहे हो कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें दो काम देखो बच्चों, ये पास्ट टेंस है, जरा ध्यान देना क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। अगर बच्चों पास्ट टेंस यानी भूतकाल में एक नहीं बल्कि दो एक्शन हो रहे हैं, बताओ एक्शन एक है या दो है, एक्शन एक नहीं बच्चों दो है। पहला एक्शन तो क्या है, पहले क्या हुआ, पहले मरीज मरा और डॉक्टर बाद में आया, ये बच्चों एक्शन एक है, ये एक्शन दो। अगर भूतकाल में किसी सेंटेंस में दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो जो एक्शन पहले आएगा, जो पहले होगा, जो हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएगा, और जो अपेक्षाकृत बाद में होगा
वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आएगा, ठीक है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आएगा। लेकिन बच्चों आप जानते हो कि जरूरी नहीं है कि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आए, अगर वाक्य साधारण है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेकर आ सकता है। अगर वाक्य साधारण है तो वह डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर भी आ सकता है। आइए देखो इस ऊपर वाले सेंटेंस को आप आदर्श वाक्य मानिए, क्योंकि इस तर्ज के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर परीक्षा में प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए ये सेंटेंस तो बच्चों एक सेंटेंस नहीं है, दिस इज ए मॉडल सेंटेंस, ये तो एक सूत्र वाक्य है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक बात को अच्छे समझ लीजिए, ध्यान दो, ऐसी स्थिति में अगर भूतकाल में, क्या बताया मैंने, अगर भूतकाल में दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो जो पहले आएगा, ध्यान दो बच्चों, जो पहले आएगा ये बिफोर है। अब बिफोर के पहले जो आएगा, जो काम पहले होगा उसको इधर लिखना चाहिए, वो क्या लेके आएगा, वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएगा। और जो काम बाद में होगा उसे इधर लिखना चाहिए, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने ये जाना कि ये बिफोर के पहले आ रहा है, ये बिफोर के बाद आ रहा है, ये सूत्र बच्चों आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, जरा ध्यान देना, सभी लोग लिखना बंद करके बोर्ड की तरफ देखेंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पिताजी के उठने से पहले मेरी माँ चाय बना चुकी थी, तो मैं क्या कहूंगा, जरा देखना बच्चों बोर्ड की तरफ देखना क्या बोल रहा हूं मैं, माई मदर हेड मेड, आपने देखा हेड के बाद में मेड गया थर्ड फॉर्म, माई मदर हेड मेड टी बिफोर माई फादर वोक अप या गोट अप, वोक अप या गोट अप, यानी मेरे पिताजी के उठने से पहले मेरी माँ चाय बना चुकी थी। मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूं, The match had started. The match had started before we reached the stadium. The match had started before we reached the stadium. मैं तीसरा सेंटेंस बोल रहा हूं, The train had left. The train had left before we reached the platform. The train had left before we reached the platform. बात समझ में आ गई है? तो बच्चों अब इन सभी वाक्यों को उल्टा करके दिखाता हूं। उल्टा कैसे होगा कि आप जानते हो इस बिफोर का मतलब पहले होता है और इसका विलोम शब्द क्या होता है, आफ्टर। अगर आपने आफ्टर का प्रयोग किया बच्चों तो क्या होगा, ये जो देख रहे हो ना आप, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पार्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पार्ट बच्चों इधर आएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पार्ट आप देख रहे हो ये इधर आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये अंतर है इन दोनों सूत्रों में, जरा ध्यान दो, उल्टा करके दिखाता हूं। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, लेकिन कब आया, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी मरीज के मर चुकने के बाद। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी डॉक्टर आया मरीज के मर चुकने के बाद। दूसरा, माई फादर गोट अप या माई फादर वोक अप, मेरे पिताजी उठे कब, आफ्टर माई मदर हैड मेड टी, आफ्टर माई मदर हेड मेड टी, जबकि मेरी माँ चाय बना चुकी थी। उसी तरीके से वी रीच्ड द स्टेडियम, हम स्टेडियम पहुंचे, वी रीच्ड द स्टेडियम आफ्टर द मैच हैड स्टार्टेड, मैच के शुरू हो चुकने के बाद। उसी तरीके से वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म, वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म After the train had started, माने गाड़ी के छूट जाने के बाद। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने सिर्फ यह देखा कि अगर भूतकाल में दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो दोनों क्लॉजेज के मध्य बिफोर का प्रयोग होगा, और अगर बिफोर का प्रयोग हो रहा है तो हेड प्लस थर्ड, यानी जो काम पहले हो रहा है उसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना चाहिए और उसका प्रयोग हमेशा बिफोर से पहले करना चाहिए। लेकिन जो काम अपेक्षाकृत बाद में हो रहा है उसे आपको पास्ट सिंपल टेंस में लिखना चाहिए और उसका स्थान बिफोर के बाद होना चाहिए। क्लियर हो गया? लेकिन बच्चों अगर बिफोर के एवज में आफ्टर का प्रयोग हुआ है तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना सा हो जाएगा कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पार्ट है पास्ट सिंपल वाला वो आगे आ जाएगा, और आफ्टर के बाद में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पार्ट है उसका प्रयोग आपको बाद में करना चाहिए। ये दो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाने चाहिए। आगे मैं अपनी बात बढ़ा रहा हूं। तो बच्चों ये तो आपको बताया गया साधारणतः, साधारण बात किसके बारे में, साधारण बात बताई गई आपको, ये बात आपको साधारण बात बताई गई पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में,
कि किस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस में सवाल पूछे जाते हैं, ये टेक्नोलॉजी भी आपने जान ली है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और बात। आगे कौन सा टेंस चलेगा? आगे टेंस चलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे चलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लिखेंगे एक बार आप। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर हो गया? इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों ये होता है, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पढ़ा ही था, उसमें क्या आ रहा था? उसमें यह आ रहा था कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब मैं कहूंगा आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, या सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल है ये। इसमें क्या होगा, मैंने एक सेंटेंस दे दिया आपको, जैसे लिखना इट, मौसम के लिए बच्चों ये मौसम है, क्या ये मौसम है या ये समय है? जानते हो मौसम और समय के लिए किसका प्रयोग होता है? इट का प्रयोग होता है। जैसे बारिश हो रही है, इसका कर्ता बारिश नहीं है, इसका कर्ता इट है। जैसे ठंडी हवा चल रही है, इसका कर्ता बच्चों विंड नहीं है, इसका कर्ता इट है। उसी तरीके से चार बज गए हैं, इसका कर्ता चार नहीं है, इसका कर्ता इट है। इज इट क्लियर? ओके, तो मैं आपको कह रहा हूं कि इट देखो वाज, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखो बच्चों, इट वॉज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस आपको दे दिया गया है। इसमें बस दो प्रकार की गलतियां हो सकती है। पहली बात तो आप ये जान लो कि आपको यहां सिंस आ रहा है और आपको देगा वो फोर, फोर को काट के आपको सिंस करना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि बार बजे सन तारीख आए, फोर छोड़कर सिंस लगाए। आप ये भी जानते हैं कि अगर दिन का कोई भी रूप आ जाए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून वगैरह वगैरह, तो उनके साथ आपको सिंस का प्रयोग करना चाहिए। आपको यह भी पता है अगर वाक्य में नाउ, देन, वैन इत्यादि का प्रयोग हो जाए तो भी देन का प्रयोग करना चाहिए। आपको यह भी पता है कि अगर पॉइंट, अगर टाइम के स्थान पर किसी क्लोज या फ्रेज का प्रयोग हो जाए तो भी आपको सिंस का प्रयोग करना चाहिए। आपको पता है सनसेट है ना, सनसेट, सनराइज है ना, ओरोरा वगैरह वगैरह, जीवन की अवस्थाएं, चाइल्डहुड है ना, जवानी, बुढ़ापा, किशोरावस्था, इन सब के पहले क्या किसका प्रयोग करना चाहिए? सिंस का करना चाहिए, क्योंकि इन सबको क्या माना गया है? पॉइंट ऑफ टाइम माना गया है, इन सबको पॉइंट ऑफ टाइम माना गया है। तो पहली बात तो आपको यहां फोर दिया जाएगा, फोर को काट के आपको सिंस करना है। पहला तरीका, पहली बात तो बच्चों आपको यह सीखनी चाहिए, और आशा है कि यह बात आपके समझ में आ गई। क्लियर है? अब मैं दूसरी बात समझाता हूं। ऐसा भी होता है कि अगर वाक्य में सिंस या के बाद समय दिया हुआ है, देन दो बातें हैं। अगर वाक्य में सिंस या फोर के बाद क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। और इधर बच्चों जो वर्ब आ रही है उसमें आई एन जी आ रहा है, माने कार्य जारी रहने का भाव है, माने कार्य जारी रहने का भाव है। क्लियर है? दो बातें बताई मैंने। अगर वाक्य में सिंस या फोर के बाद में टी माने टाइम आ रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जुड़ा हुआ है, माने कार्य जारी रहने का भाव है, तो ऐसे वाक्य का टेंस बच्चों कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। और अगर है तो उसे काटकर उसी टेंस का क्या बनाना चाहिए? उसी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना चाहिए। बोर्ड की तरफ देखो, बात को समझो, क्या समझाइए, मैंने दोबारा बोल रहा हूं। अगर किसी वाक्य में सिंस या फॉर के साथ में टी यानी टाइम दिया हुआ है, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जुड़ा हुआ है, अर्थात कार्य जारी रहने का भाव है, तो ऐसे वाक्य का टेंस कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। और अगर है तो ऐसे वाक्य को शुद्ध करने के लिए उसे उसी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना चाहिए। तो आप जानते हो बच्चों, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, मुझे इसको काट के क्या बनाना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे हैड बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात सुबह से बारिश हो रही थी। तो बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों वह होता है जिसमें हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का प्रयोग होता है, और आगे सिंस या फोर, कभी कभी ऑल भी बोला मैंने, ए डबल एल ऑल के साथ
टाइम का प्रयोग होता है। क्लियर है? ये पहली बात है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह होता है जिसमें हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है और आइए सिंस फॉर या ऑल के बाद में टाइम का प्रयोग होता है। दूसरी बात बच्चों, अगर आपको अंग्रेजी में कोई सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ हो और आइए सिंस या फॉर का प्रयोग हो तथा ये टाइम भी दिया हुआ हो, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई, तब आपके लिए यह पहचानना बहुत ही आसान होगा दैट द गिवन सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ इंग्लिश, कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो अंग्रेजी के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इस चीज को समझना आपके लिए बेहद आसान होगा। समझ तो आप गए। अब आप जब इस वाक्य का हिंदी अनुवाद करोगे तो बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से करना होगा, जैसे मैंने कहा इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो ऐसे वाक्यों के अंत में क्या बोलना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि सुबह से ब्रिकेट में आएगा या खालिस्तान में बारिश हो और यहां जाएगा रही थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे वाक्यों का हिंदी अनुवाद करते समय वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी या से रहे थे का प्रयोग करना चाहिए। अगर कहने वाला से रहा था पुलिंग है तो से रहा था, लेकिन अगर स्त्रीलिंग है तो से रही थी, है ना। अगर मस्कुलाइन जेंडर है तो से रहा था, लेकिन फेमिनाइन जेंडर है तो से रही थी। और अगर प्लूरल है तो बच्चों फिर वो मस्कुलाइन जेंडर हो चाहे फेमिनाइन जेंडर हो चाहे न्यूट्रल जेंडर हो चाहे कॉमन जेंडर हो, अगर वो प्लूरल है तो फिर तो सिर्फ एक ही बात है, क्या रहे थे, तब तो एक ही बात आएगी रहे थे। तो इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी, और अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर इतनी सी बात और समझ लो, वो ये है कि अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं मैं कि आपने कहा था कि सुबह से बारिश हो रही थी, आपका सेंटेंस तो ये था कि सुबह से बारिश हो रही थी, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि क्या सुबह से बारिश हो रही थी। अगर सरल शब्दों में मैं अपनी बात को कहूं तो मैं इस वाक्य को इंटेरोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना चाहता हूं। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दो, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब बच्चा उठा करके सहायक क्रिया को उठाएगा और यहां ले जाके रखेगा और फिर बोलेगा हैड बीन इट रेनिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, ध्यान इस बात का दो, आप जब भी किसी सेंटेंस की सहायक क्रिया में एक से ज्यादा शब्द हो तो सिर्फ पहला शब्द है इसी को उठाओ और इसका इन्वर्जन करो। इन्वर्जन का मतलब इसको उठा करके आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के आगे रखो और आपका सेंटेंस बनेगा बच्चों हैड इट। अब आपको ये बीन कहा जाएगा, बीन बच्चों यथास्थान रहेगा, बीन जहां था वहीं रहेगा, तो आपको कहना पड़ेगा हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग और इस फुल स्टॉप के एवज में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही थी। और नकारात्मक कैसे बनाओगे बच्चों, ये इट है ना, ये हेड जो आप यहां लाए थे इसको उठाई वापस यहां लाओ, ये आ गया हेड। अब बच्चों बच्चे क्या करते हैं कि सहायक क्रिया के बाद नोट जोड़ते हैं और ऐसे जोड़ते हैं वो इट हैड बीन नॉट, कैसे जोड़ते हैं वो इट हैड बीन नॉट। लेकिन एक्चुअली बच्चों होता यह है कि ये पहला शब्द है, ये दूसरा है, याद रहे तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग करना चाहिए। कौन से स्थान पर करना चाहिए? अगर सहायक क्रिया में एक से ज्यादा शब्द हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए, तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करना चाहिए, यानी सहायक क्रिया के पहले शब्द के बाद में नोट आएगा और जो बाकी शब्द होंगे एक भी हो सकते हैं दो भी हो सकते हैं वो बच्चों नोट के बाद आएंगे। तो आपका शुद्ध वाक्य क्या बना, इट हैड नॉट बीन, ये गलत है, नॉट इधर नहीं बल्कि इधर आएगा, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। और अगर आप इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक माने इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो इस हेड को उठाइए कहां लाओगे, यहां लाओगे, हैड इट नॉट अपनी जगह रहेगा, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। और मैंने आपको यह भी कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेड और नॉट दोनों इट के पहले आ सकते हैं, लेकिन बच्चों तब हेड और नॉट खुले खुले रूप में नहीं आते हैं बल्कि दे आर यूज इन देयर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तब उनका प्रयोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ऐसे होता है, देखो हैडंट, ठीक है, हैडंट इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, हैडंट इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। तो ये बात तो बच्चों आपने जानी, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
तक की बात आपके समझ में आ गई है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपके, अभी तो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैंने क्लियर नहीं की होती तो ये बात आपकी तब भी क्लियर नहीं होती जबकि आप ग्रेजुएट हो चुके होते। इसलिए इस बात को आप यही क्लियर कर लें, कौन सी बात है वो बात बच्चों ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सेंटेंस में बच्चों हेड बीन का प्रयोग तो होता है, ध्यान देना, हेड बीन का प्रयोग तो होता है परंतु आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अब बताइए कौन सा टेंस होगा? बस जैसे आई हैड बीन बिजी ऑल दैट डे, आई हैड बीन बिजी ऑल दैट डे का मतलब उस सारे दिन में क्या रहा बच्चों? में उस सारे दिन बिजी रहा। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि सेंटेंस में हेड बीन तो आ रहा है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस में टेंस कौन सा है तो आप कहोगे साहब इसमें तो टेंस सूट ही नहीं कर रहा है, सेट ही नहीं हो रहा, इसमें टेंस है बच्चों, वो कौन सा है जरा देखो, ये इसमें एचवी है, क्लियर है, और ये बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कई बार समझाया है कि ये बी वर्ब है, क्लियर, इसकी फर्स्ट फॉर्म समझो इज एम और आर, क्लियर, सेकंड फॉर्म समझो वाज और वर, और थर्ड फॉर्म समझो बी डबल ई एन, ऐसा मैंने कई बार समझाया, समझाया कि नहीं समझाया? तो बच्चों जब बीन इसकी थर्ड फॉर्म है तो बताओ आई हैड बीन बिजी ऑल दैट डे माने में उस सारे दिन क्या हुआ? उस सारे दिन जो है मैं व्यस्त हो चुका था, उस सारे दिन जो है मैं बिजी हो चुका था, उस सारे दिन में व्यस्त हो चुका था, उस सारे दिन में व्यस्त या बिजी हो चुका था। बात समझ में आ गई है? तो इस तरीके से बच्चों आपने जाना है कि आई हैड बीन बिजी ऑल दैट डे, इस सेंटेंस में जो टेंस है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा नाम होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इतना समझ में आ गया? आई हैड बीन बिजी ऑल दैट डे अर्थात मैं उस तमाम दिन क्या रहा? व्यस्त हुआ। आ गई बात समझ में? आगे मैं अपनी बात बढ़ा रहा हूं, आगे जो फ्यूचर चलेगा बच्चों उसे मैं टेंस नहीं कहता हूं, उसे मैं सिर्फ टाइम इसलिए कहता हूं क्योंकि फ्यूचर को अभिव्यक्त करने के लिए इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस फ्यूचरिटी वी हैव सेवरल वेज, हमारे पास में कुछ तरीके हैं, कई तरीके हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर टाइम को है ना, वी कैन एक्सप्रेस द फ्यूचर सेगमेंट ऑफ टाइम अर्थात जो, या वी कैन एक्सप्रेस फ्यूचरिटी, हम फ्यूचरिटी को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कई तरीके हैं, मॉडल की सहायता से भी कर सकते हैं। पहले मैं मॉडल का तरीका बताता हूं, इसे आप फ्यूचर सिंपल लिखें अपनी सुविधा के लिए, आप इसे क्या लिखें? फ्यूचर सिंपल, बस आगे टाइम आपको टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्यूचर सिंपल लिख दो आप तो ठीक है। फ्यूचर को भी हमने क्या है, फ्यूचर टाइम है और हमने इसको सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बटा है। तो पहली बात समझो आप, जनरली क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक बात कही कि मैं एक दिन जरूर कामयाब हो जाऊंगा, जरूर से मतलब मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, आज नहीं तो कल, कभी तो लहर आएगी। मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? आई शेल ओवरकम वन डे, लिखना जरा आई शेल, और ये बच्चों ओवरकम क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होता है क्या कि हम ओवरकम हो जाएंगे अर्थात हम कठिनाइयों में से निकल करके, कठिनाइयों में से क्या है, निकल करके हम बाहर आएंगे और बिल्कुल सुरक्षित आएंगे अर्थात हम कामयाब होंगे। तो आई शेल ओवरकम और आगे लिख दिया मैंने वन डे, क्लियर हो गया है। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि आई के स्थान पर आप जरा वी का प्रयोग करो तब भी आप क्या करोगे? ऐसा ही कुछ करोगे, वी शेल ओवरकम वन डे, कोई चेंज हुआ क्या? कोई चेंज नहीं हुआ। और आगे देखो, यू शेल ओवरकम वन डे, तो बच्चों एक्चुअली क्या है जी, मैंने तो यहां शेल का प्रयोग कर दिया है, उसका भी एक कारण है, लेकिन बहरहाल आप इतना जानो कि यहां पर शेल का प्रयोग नहीं, अभी हमें यहां पर विल का प्रयोग करना है, क्लियर। और जरा देखो, अगर मैं यहां कर दूं ही तो भी विल ही आएगा, बाकी पूरा वाक्य का यू उतारते चलो, शी तो भी विल ही आएगा, वाक्य वाक्य पूरा यों का यों, और अगर दे आ रहा है तो भी विली आएगा और बाकी वाक्य तो पूरा यों का यों। आ गई है बात समझ में? अब बच्चों
जरा बात को समझो, जब मैं कहता हूं जी आई शेल ओवरकम वन डे, यानी मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, बोलो वाक्य के अंत में क्या बोला? गा। वी शेल ओवरकम वन डे, हम एक दिन कामयाब होएंगे, इस बार ये बोला। और यू विल ओवरकम वन डे, तुम एक दिन कामयाब हो गे, फिर ये बोला। ही विल ओवरकम वन डे, वह एक दिन कामयाब होएगा, फिर गा बोला। शी विल ओवरकम वन डे, वह एक दिन कामयाब होएगी, इस बार गी बोला। और दे विल ओवरकम वन डे, इस बार आपने के बोला। बच्चों ये तो हिंदी की बात हुई, लेकिन अंग्रेजी की भी एक बात है, उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। और वो बात क्या है? वो बात सिर्फ इतनी सी है कि आई और वी के साथ तो आपने शेल का प्रयोग किया है, लेकिन बाकी सबके साथ आपने विल का प्रयोग किया है। बस यही समझाना है मुझे, बस मुझे यही समझाना है। बच्चों जरा ध्यान दो, फ्यूचर सिंपल वह होता है जिसमें शेल या विल के साथ क्या काम ने, शेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना समझ में आ गया है? फ्यूचर सिंपल वह होता है जिसमें शेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सब में देख रहे हो बच्चों, ओवरकम ओवरकम ओवरकम, किसी में भी नहीं आ रहा ओवरकम्स, किसी में भी नहीं आ रहा ओवरकमिंग, किसी में भी नहीं आ रहा ओवरकेम, और किसी में भी नहीं आ रहा टू ओवरकम। मेरा मतलब ये हुआ कि सब में क्या आ रहा है, सब में सिर्फ वर्ब का जो बेस फॉर्म है या वर्ब का जो मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप, उसी का प्रयोग हुआ है, जिसे आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो पहली बात बच्चों, फ्यूचर सिंपल वह होता है जिसमें शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। और दूसरी बात बच्चों ये भी है कि शैल का प्रयोग, जरा ध्यान दो, मैं यहां मिटा के इस बात को दोबारा लिखूंगा, यह समझ में आएगी आपके। देखो साधारण तो क्या होता है, आई व वी, आई या वी के साथ तो शैल आता है, क्लियर हो गया है, और शेष सभी के साथ, शेष सभी के साथ विल आता है। परंतु अगर वाक्य में कौन सा भाव है बच्चों? अगर परंतु वाक्य में किसका भाव है, ध्यान दो बच्चों, आई और वी के साथ तो विल आएगा और बाकी सबके साथ शेल आएगा, ऐसा कब होगा? अगर वाक्य में जरूर या जरूर जरूर का भाव है। अगर वाक्य में जरूर जरूर माने अवश्य का भाव है, अगर वाक्य में जरूर जरूर माने अवश्य का भाव है तो काम उल्टा होगा। आप इसे यो भी समझ सकते हैं बच्चों, ये जो जरूर जरूर है, इस बात को आप कुछ यो भी समझ सकते हैं जी, अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन, क्या बोला? अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय का भाव है, या ऑर्डर, ऑर्डर या कमांड, आदेश, फला काम करना ही है या आदेश है, फला काम करना ही है ये मेरा निश्चय है, और उसी प्रकार से प्रोमिज, दूंगा, क्या दूंगा? तुम्हें मैं जरूर दूंगा, ठीक है। और उसी तरीके से बच्चों आप देखते हो थ्रेट, टी एच आर ई ए टी, थ्रेट या वार्निंग, थ्रेट या वार्निंग। तो ऐसे ये अगर इनमें से कोई भी एक भाव है या जरूर जरूर का भाव है, बात तो एक ही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, अर्थात शेष सभी के साथ तो शेल आएगा, और आई और वी के साथ जहां शेल आया करता था वहां विल आएगा। ये टॉपिक तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा मॉडल्स में, लेकिन यहां तो आप थोड़ा इतना सा ही जान लें, क्योंकि कई बार बच्चा ये प्रश्न पूछता है कि सर आई और वी के साथ तो आपने शेल बताया था, लेकिन इस वाक्य में तो आई के साथ भी विल आ गया, तो फिर मैं उसको क्या समझाऊं? तो उसको समझाने के लिए यही तरीका है मेरे पास में कि बच्चों ये मॉडल का एक टॉपिक है, और शेल और विल मॉडल होते हैं, और जनरली आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ तो शेल का प्रयोग करना चाहिए, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन अर्थात बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करना चाहिए? विल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है अगर वाक्य में जरूर जरूर का भाव हो, या वाक्य में अवश्य का भाव हो, या वाक्य में डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, कमांड, प्रोमिस, थ्रेट या वार्निंग का भाव हो, तो ऐसी स्थिति में वज्र गुणा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, वाइस वर्षा हो जाता है। यानी जहां आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल आ रहा था वहां तो विल आता है, और जहां शेष सभी माने सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल आ रहा था वहां क्या आता है? वहां शेल आता है। आइए बढ़ाते हैं। तो बच्चों एक बात जानिए आपने, पहली बात बच्चों आपने यह जानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल वह होता है जिसमें विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टेंस तो निकल ही जाता है, मेरी आदत पड़ी हुई है। तो फ्यूचर सिंपल वह होता है जिसमें शेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
दूसरी बात, आई और बी के साथ साधारणतः शेल तथा बाकी सबके साथ में विर का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर सिंपल का अनुवाद करने पर वाक्य के अंत में गा, गी अथवा ये शब्दांश ध्वनित होते हैं। वाक्य का अनुवाद करने पर वाक्य के अंत में गा, गी आदि शब्दांश ध्वनित होते हैं। और कुछ ऐसे एडवर्बियल्स भी हैं जिनकी सहायता से हम ये थोड़ा पहचान सकते हैं, पहचानना आसान हो जाता है कि दिया हुआ वाक्य फ्यूचर सिंपल का है। तो होगा क्या, एक्चुअली कई बार आप जानते हो, जैसे मैं कहता हूं कि आई विल गो होम टुमारो, आई विल गो होम टुमारो, क्लियर है, ये टुमारो आ गया। या अगर मैंने आपको कह दिया कि द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या नेक्स्ट डे की जगह कई बार आ जाता है मंथ, ईयर, तो ये टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, ये कुछ एडवर्बियल से सिग्नल्स है बच्चों, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इफ दे आर यूज इन ए सेंटेंस, अगर इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में हुआ है तो जनरली उस वाक्य का टेंस कौन सा होना चाहिए, इन जनरल उस वाक्य का टेंस फ्यूचर सिंपल होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात, और आगे बढ़ो अपनी बात को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने आपको ये कहा, बल्कि इससे आगे वाला जो टेंस है बच्चों उसका नाम क्या होगा, जैसे आपने ये फ्यूचर सिंपल पढ़ा, फ्यूचर टाइम को आपने चार भागों में बांटा, फ्यूचर सिंपल आपने जाना, तो फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस ये होगा कि आपने एक तो ये पढ़ा था कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, क्लियर है, फ्यूचर कंटिन्यूस समझा रहा हूं, यहां सिंपल के एवज में अब आपको कंटिन्यूस करना चाहिए, लेकिन काट के मत करना, आगे करना आप, है ना, क्योंकि आपके पास तो आगे कॉपी में जगह है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, जब मैंने आपको कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो आपने कहा आई एम राइटिंग ए लेटर, फिर मैंने कहा नहीं मैं एक पत्र लिख रहा था, तब आपने कहा आई वॉज राइटिंग ए लेटर, अब मैं कह रहा हूं कि मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा, जरा ध्यान देना, आई शेल बी राइटिंग ए लेटर, आई शेल बी राइटिंग ए लेटर, अर्थात मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा, आई शेल बी राइटिंग ए लेटर, अर्थात मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा। अगर बच्चों मैं यहां विल यहां कर दूं बी, तो भी शेल बी आएगा, अगर मैं यहां कर दूं यू, तो फिर क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा। आगे समझ में, तो आई शेल बी राइटिंग ए लेटर, अर्थात मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा, ध्यान देना बोर्ड की तरफ, वी शेल बी राइटिंग ए लेटर, हम एक पत्र लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे होंगे, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा होगा, शी विल बी राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही होगी, और दे से बोल के बताओ एक बार जरा, दे के साथ शेल आएगा कि विल आएगा, जनरली विल आएगा, दे विल बी राइटिंग ए लेटर, वे एक पत्र लिख रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात आपने जान ली कि फ्यूचर कंटिन्यूस वह होता है जिसमें शेल बी, क्या बोला, शेल बी या विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, बात नंबर एक। और बात नंबर दो, फ्यूचर कंटिन्यूस वह होता है जिसका हिंदी अनुवाद करने पर वाक्य के अंत में रहा होगा, ठीक है, लड़की है तो रही होगी, रहा होगा, रही होगी, स्वयं के लिए तो रहा हूंगा, रही हूंगी, और अगर प्लूरल है तो रहे होंगे, इत्यादि शब्दांशों का प्रयोग आप उस वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय वाक्य के अंत में कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई है। रही बात एडवर्बियल्स की, तो इससे संबंधित कोई खास एडवर्बियल्स तो है नहीं, और ये टेंस जो है परीक्षा की दृष्टि से जहां ग्रामर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं वहां पर इस टेंस के आने की संभावना कम है, लेकिन आपको अनुवाद की दृष्टि से इसका ज्ञान होना चाहिए कि जिस वाक्य में विल बी या शैल बी का प्रयोग हुआ है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आ रही है, तो उस वाक्य का टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, और उसका अनुवाद आपको कुछ यूं करना है कि वाक्य के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। और एक बात और समझो, अंतिम बात आपको बता देता हूं मैं, वो यह है कि शी विल बी बिजी टुमारो। बच्चों इस सेंटेंस को गौर से देखो, इस सेंटेंस में विल बी का प्रयोग तो हुआ है लेकिन आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आ रही है, इसलिए इस वाक्य का टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस तो हो नहीं सकता, इसलिए वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस का तो हो नहीं सकता,
ये वाक्य कौन से है, ये वाक्य किसका होगा, ये वाक्य फ्यूचर सिंपल का है, क्योंकि विल एक मॉडल है, जरा ध्यान दो, और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसलिए आपको इसको क्या मानना चाहिए, इसको फ्यूचर सिंपल मानना चाहिए, विल के साथ आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहोगे सर कि आपने तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इजमार बताई थी, अभी भी कह रहा हूं कि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इजमार होती है, लेकिन उसका मूल रूप बच्चों बी होता है, कभी विल इज शैल इज नहीं कर सकते आप। एक बात और है, अगर आपको बी में आईएनजी जोड़ने का मन करे आपका, तो इजिंग आरिंग एमिंग कभी कर मत देना, क्या करो ये बी ई में ही आईएनजी जोड़ो, ये बीइंग बी ई आई एन जी बींग होगा, बात समझ में आ रही है आपको। अगर आई एन जी जोड़ना है तो फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगा। अब बच्चा सोचेगा सर आपने तो फर्स्ट फॉर्म बताई थी इज, तो इज का इजिंग कर दूं, एम का एमिंग कर दूं, आर का आरिंग कर दूं, ऐसा कर मत देना। क्या करना है, बी की जो मूल फर्स्ट फॉर्म होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म बेस्ट फॉर्म दैट इज बी, और बी में ही आई एन जी जुड़ेगा बींग। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा कि टेंस का जो फंडा है वह मैंने आपको क्लियर किया, और कहां से ये कहां तक ले आया आपको, फ्यूचर कंटिन्यूस तक ले आया। अब बात कहां तक बच गई है, एक बात तो बची है फ्यूचर परफेक्ट, और एक बची है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये बात तो मैं अगली क्लास में आपको क्लियर करूंगा, और उसके ठीक बाद में टेंस का टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है, उसके ठीक बाद में बच्चों फिर टेंस से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है जिससे संबंधित परीक्षा में सवाल आते हैं, है ना, किस प्रकार से जो है आप टेंस से संबंधित कठिन से कठिन सवाल को भी हल कर सकते हैं, उस सारी तकनीक से आपको अपडेट करूंगा। यानी कम से कम अभी भी 3 क्लास टेंस के ऊपर में और लूंगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों आज की बात यहीं समाप्त, और बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।